ये किस बात का आप विश्वास करोगे? हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज के दिन 5 साल बाद इन्होंने की है 2000। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, पहले भी हमने करके दिया और आगे भी मैं आपको कह रही हूँ। जो आज के दिन आपकी पेंशन है हम उसको दुगनी से भी ज्यादा करके दिखाएंगे, कल आपको बता देंगे और टाइम पे देंगे। किसानों की बहुत सी बातें, इन्होंने कहा था आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी दुगनी तो नहीं, खर्चा जरूर दुगने से भी ज्यादा हो गया। तो किसानों का भी हमने ध्यान करना है, कर्जे में दबे पड़े हैं किसान हमारे, किसानों का कर्जा, हमारे गरीब आदमी का कर्जा, दोनों का कर्जा होता है। अगर गरीब आदमी मरेगा किसान मरेगा, किसान मरेगा गरीब आदमी मरेगा, किसान और मजदूर दोनों का आपस में जुड़ाव। तो हमने ध्यान रखना, आपने देखा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हमने घंटों में दिनों में कर्जे माफ करके दिखाए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ हमारी सरकार हरियाणा में बनाओ, हरियाणा में भी हम गरीब आदमी के भी, मजदूर के भी और किसान के भी कर्जे माफ करके दिखाएंगे आप। और आपको विश्वास इसलिए आएगा, पहले भी हमने 72,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने माफ किए थे जब हमारी सरकार, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक गरीब जमीनी आदमी नहीं पनपेगा तब तक कोई नहीं पनप सकता। साथियों, नोटबंदी से शुरुआत की थी इन्होंने, तब तो सारे खुश हो गए, अगर भाई चलो हमारी तो कोई बात नहीं, ये सेठ लाइन में खड़े कर दिए मोदी ने, बहुत बढ़िया काम किया। अब सेठ तो कोई लाइन में नहीं तो सेठ तो कोई लाइन में खड़ा दिखा नहीं, आपके पैसे खींच लिए और अर्थव्यवस्था कर दी ठप, उसके बाद कर दी जीएसटी। आज गुड़गांव में सैकड़ों इंडस्ट्री बंद हो गई है। कल मैं गई थी पानीपत, कल रात को वहां पे थी, तो वहां पूछा मैंने उद्योगपतियों से, उन्होंने बताया जी हमारी प्रोडक्शन 70% डाउन है, 70%। तो सारों का जो ये एक चक्कर है, एक दूसरे जुड़े हुए हैं। तो भाई देश और हमारा प्रदेश, हमारे प्रदेश को तो इन्होंने कर दिया खत्म, खोखला कर दिया, लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने कर्जा ले लिया, लोगों को कुछ देना नहीं है। ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार का हमने कुछ नहीं करना। और भाई मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पे, इनके ऊपर बहुत ज्यादती होती है बहनों के बारे में, अब इनको मैं बताना चाहूँगी कि आजकल हमारी बहनें हैं, इनको हमने चूल्हे का खर्च भी देना है, हमारी सरकार आने दो, चूल्हा खर्च देंगे इनको, पूरा ध्यान रखेंगे इनका। अरे भाई लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं, उनको भी हम आरक्षण देंगे, सरकारी नौकरियों में भी और निजी नौकरियों में भी, ताकि बच्चियों का भी कुछ हो। भाई महिलाओं की सुरक्षा, आज के दिन लड़कियां बाहर चली जाती हैं, माँ बाप के दुख दुखी लगी रहती है, बच्ची कब ठीक ठाक गई घर में सही सलामत पहुंच जाए, तो ये भी ध्यान रखना। आज इस सरकार, इस निकम्मी सरकार के नीचे तो इतना अपराध बढ़ गया, महिलाओं के ऊपर रोज रेप, मर्डर, पता नहीं क्या क्या आता है। तो ये सारी चीज करनी है हमने, अपने हरियाणा को चमकाना है, अच्छा बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, और अपने सबसे ज्यादा हमने अपने नौजवानों का ख्याल रखना है, युवा पीढ़ी का ख्याल रखना है। अगर युवा पीढ़ी आज जो ड्रग्स में आ गए, काम करने को नहीं है, अपराध में चले जाते हैं, पढ़े लिखे लड़के बेचारे इधर उधर घूमते हैं, माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है, इन सब बातों का हमने ध्यान रखना है। कहने को बहुत बातें हैं साथियों, और कल हमारा घोषणा पत्र हम निकाल रहे हैं, उसमें कोई वर्ग हमने नहीं छोड़ना, चाहे हमारा गरीब दलित वर्ग है, चाहे हमारा पिछड़ा वर्ग है, चाहे हमारी बहनें हैं, युवा हैं, किसान है, मजदूर है, कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारी सड़कों पे नजर आते हैं और उनको क्या मिलता है, लाठियां। तो सबका ध्यान हमने रखना है साथियों, कांग्रेस पार्टी का आप साथ दो, कांग्रेस का साथ दो। और हमारे यहाँ से प्रत्याशी कमलवीर जी इतने निहायत ही शरीफ इंसान, भाई ढूंढने को वैसे बहुत थे हमारे कैंडिडेट, ऐसा नहीं है कि और भी नहीं थे, अपने वर्धन यहाँ पे खड़ा, अपने और बहुत से साथी हैं,
जो प्रबल दावेदार थे यहाँ से भी, आसपास से भी, कई हलकों से, लेकिन आप जानते हो सबको नहीं मिल सकता टिकट। अब आवेदन थे 1200, सीट है अपनी 90 में से 18 सिटिंग एमएलए हो गए भाई, तो बाकी तो कम ही रह गए। तो कोशिश रही हमारी कि हम अपने अनुभव को भी देखें, युवाओं को भी देखें, दोनों तरह से हमने बैलेंस करने की कोशिश की। कमलवीर जी अनुभवी हैं, सेवा करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, और भाई शराफत को वोट मिलना चाहिए, मानते हो कि नहीं? शराफत को वोट मिलना चाहिए, और इनकी तरफ से मैं आपको विश्वास दिला दूं, आप इनको बनाओ, और आप देखना ये कैसे इलाके को चमकाएंगे। और जब हम सारे इनके साथ हैं, सारे साथ हैं, काम करेंगे, लगन से करेंगे, नौजवानों के लिए करेंगे, बुजुर्गों के सबके लिए काम करेंगे, तो साथियों आने वाली 21 तारीख को आप हाथ के निशान वाला बटन दबाओ और मौका दो इस बार। बहुत होगी ये झूठ की राजनीति, इस बार जब कोई भी आ जाए भारतीय जनता पार्टी का, पूछना भाई 5 साल का रिपोर्ट दो और फिर वोट मिलेगा। रिपोर्ट मांग लियो, और जब रिपोर्ट मांगोगे तो आपको पता है कि भाई फिर इनका कुछ नहीं, इनके पांव नहीं नजर आने। तो 21 तारीख को इनको सफल बनाओ, उसी में हमारे पूरे इलाके का विकास होगा, आप सबका विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।